प्रोडक्ट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट समय समय पर वितरित करते हैं। प्याज और लहसुन लगभग पूरे वर्ष में हम लोगों ने 92 ट्राइज पूरे साल में किए हुए हैं। खरीफ में डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर इसके अध्यक्ष रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे जो भी बहुत बहुत धन्य कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। धन्यवाद। ट्रैक्टर की जो हम वैरायटी की बात कर रहे हैं, आगे तीन ट्रैक्टर लगाते हैं, जो है हमारी 10 करीब 10 सितंबर से लगाते हैं। आप नवंबर की फर्स्ट वीक में तो आगे हमको सर्विस खरीदने के बारे में कि आप कैसे करें, क्योंकि आप मोस्ट निकल चुके हैं तो ऐसी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा बागवानी मिशन के अंतर्गत ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें उन्नतशील तकनीकी द्वारा प्याज एवं लहसुन का उत्पादन एवं कटाई उपरांत प्रबंधन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और सारे किसानों से इस पे इसका ज्ञानवर्धन उनका किया जाएगा। यहाँ पे विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं, इसके साथ साथ हमारे कुछ किसान भाई भी आए हुए हैं जो कि राजस्थान से हैं, बिहार से भी हैं, कुल्लू से हैं और पंजाब से आए हुए हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश से किसान आए हुए हैं। तो ये सारे किसान भाई आके इस संगोष्ठी में शामिल हुए, इससे निश्चित ही प्याज और लहसुन में एक किसान इस जो भी इससे निष्कर्ष निकलेंगे, जो भी मार्गदर्शन देंगे हमारे किसान भाई उस पर अमल करेंगे और एक प्याज और लहसुन के क्षेत्र में एक निश्चित ही एक ये संगोष्ठी मिलकर पत्थर साबित होगी और हमारा उत्पादन भी निश्चित बढ़ेगी। कई बार कीमतें बढ़ जाती हैं तो इस प्रकार प्याज की कीमतें बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं, तो उसका कारण होता है कि हमारे बहुत से किसान भाई केवल गेहूं और धान तक ही सीमित है। आज हमारे किसान भाई धीरे धीरे इसमें देखेंगे कि साल में हम 2 बार प्याज की फसल ले सकते हैं और प्याज एक ऐसी फसल है जो हमको 3 गुना जो है वो उसमें कीमत दे सकती है 6 महीने के अंदर अगर भंडारण करें। देखिए अभी खरीफ में एग्रीफाउंड डार्क रेड करके वैरायटी जो सबसे अच्छी है और रबी में एग्रीफाउंड लाइट रेड वैरायटी है जो कि सबसे बढ़िया इस क्षेत्र में चल रही है, जिसका उत्पादन भी अच्छा हो। आज यहाँ किसान मेले में मैं आया हूँ, यहाँ आकर किसान मेले में जो चीज़ देखी है उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। जैसे पारंपरिक खेती छोड़कर गेहूँ जीरी गन्ना है ना, उसको छोड़कर लहसुन और प्याज की तरफ किसान आएंगे तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा और किसान की आमदनी भी ज़्यादा होगा। अब जैसे प्याज और लहसुन के रेट बहुत ज़्यादा हैं, अगर किसान इसको आएंगे तो प्रोसेसिंग करके या गोदाम में रख कर इसको बाद में बेचा जाए तो इससे ज़्यादा लाभ होगा। ये आज यहाँ वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है, इससे किसानों को बहुत लाभ होंगे।